Today I am going to introduce a new topic to all of you, which is coordinate geometry. अब coordinate geometry के बारे में बात करें तो coordinate geometry जो है वो हमारे physics के लिए इतनी important कैसे है? आप सभी को पता होगा coordinate geometry का basic meaning क्या है कि हम किसी भी point के बारे में समझें, किसी भी straight line के बारे में समझें, किसी भी ऐसी structure या किसी भी ऐसी geometry के बारे में समझें जो कि हमारे लिए useful हो, वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में है क्या, उसको समझते हैं, ठीक है? तो जरा ध्यान दें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास एक मैथमेटिकल पार्ट है जो कि क्लासिकल मैथमेटिक्स के अंदर आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो किस में आती है? क्लासिकल मैथमेटिक्स में आती है। क्लासिकल मैथमेटिक्स के अंदर एनालिटिक ज्योमेट्री आती है। क्या आती है? एनालिटिक ज्योमेट्री। अब ये जो एनालिटिक ज्योमेट्री है ना, इसी को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। इसी को अपन क्या बोलेंगे? इट इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? क्या कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस में आती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो क्लासिकल मैथमेटिक्स के अंदर एनालिटिक ज्योमेट्री को ही कहा जाता है, ठीक है? और याद रहे, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक और वर्ड से अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, विच इज कार्टेशियन ज्योमेट्री। किस नाम से कर सकते हैं? कार्टेशियन ज्योमेट्री से भी इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो अभी तक हमने ये चीज देखी कि व्हाट इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या हुई कि हम कैसे बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये। तो ध्यान रहे, हम क्या करते हैं, इन दिस वी स्टडीज अबाउट ज्योमेट्री बाय यूजिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? बहुत ही इजी सी बात है। मैंने क्या बोला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें हम ज्योमेट्री का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, किसके बेसिस पे? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके। आई बात समझ में? अब ये बातें तो ठीक है सर, ये तो अपने पास बेसिक हुआ। मैं अब पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले एक चीज सोचो कि अगर मैं एक लाइन बनाता हूं जो कि आपको यहां बोर्ड पर ऐसे दिख रही होगी, मान लो मैंने एक ऐसे लाइन बनाई, ओके, तो ये जो लाइन है वो आपको दिख रहा होगा इस बोर्ड पे बन चुकी है, दैट मींस हमने इसको बोर्ड पे बना दिया है। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, 3D मतलब थ्री डायमेंशनल, जिसको अपन कह सकते हैं कि अपने रूम में कोई भी चीज पड़ी है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं अपने रूम में चेयर पड़ी है, तो वो चेयर एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है? क्या आप उस चेयर को एज इट इज जैसे वो दिख रही है वैसी की वैसी इस बोर्ड पे बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना। दैट मीन सिंपल सी बात है कि ये जो बोर्ड है ना उसकी एक डेफिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, उस चेयर का एक डेफिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन हो रही होगी। आई बात समझ में? तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसको समझने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट इज 2D मतलब कि टू डायमेंशनल, और सेकंड वन इज 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल। अब 2D और 3D है क्या एक्चुअल में, उसको समझने के लिए अपन आगे चलते हैं। जरा ध्यान दे, अब अपन बात करते हैं 2D और 3D जो ज्योमेट्री होती है वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है। तो जरा देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं यूक्लिडियन प्लेन एंड सेकंड वन इज यूक्लिडियन स्पेस। ये दो नए नाम आपके सामने दिख रहे होंगे, फर्स्ट इज यूक्लिडियन प्लेन एंड सेकंड वन इज यूक्लिडियन स्पेस। अब ये दोनों है क्या? देखो, अगर 2D स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर
2D स्ट्रक्चर की बात की जाए, डी का मतलब यहां पर क्या है? डायमेंशन, डायमेंशन, क्लियर? यहां पर डी का मतलब क्या है? डायमेंशन है। और यहां पर बात करेंगे, वो करेंगे अपन 3D सरफेस की। मतलब अगर यूक्लिडियन प्लेन की बात करें, दैट मींस हम बात करेंगे कि ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम कैसी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, वो है 2D स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। और यूक्लिडियन स्पेस का मतलब होता है जिसमें अपन 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में, या मोर देन कह सकते हैं 3 डायमेंशन, से ज्यादा भी डायमेंशन जो है, उन सभी का अपन यूक्लिडियन स्पेस के अंदर डिस्क्राइब करते हैं उन लोगों को, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अब आगे चलते हैं, वो क्या है कि ये 2D क्या है और 3D क्या है। तो जरा ध्यान दें, हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको अपन बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो आपको देखिएगा यहां पे, कि हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 डायरेक्शन होती हैं। क्या होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 डायरेक्शन होती हैं। ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। अब इसको समझना है तो हम क्या करेंगे, 3 मार्कर की हेल्प लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे मान लो आपके पास पहला ये हो गया, फिर दूसरा इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब तीसरा जो है वो मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है। वो इस जगह पे आपको ध्यान देना होगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब मेरे पास 3 आपको डायरेक्शन दिख रही होगी, वो क्या है? फर्स्ट इज दिस, सेकेंड वन इज दिस, एंड थर्ड वन इज दिस। अब आप ध्यान से देखें, इसको गौर से देखें, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? आपस में ये परपेंडिकुलर है। मतलब इसके और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल, और इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री एंगल। ये जो तीनों डायरेक्शन मिलके बनाती है उसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो तीनों डायरेक्शन होती है उनको कैसे डिफाइन किया गया? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। क्या बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड जेड एक्सिस। क्लियर है? आई बात समझ में आपके? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहां पर इस तीसरी वाली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस है उसको नहीं बना पा रहा हूं। तीसरी वाली कौन सी? जो ये वाली आपको दिख रही है। अब ये वाले को क्यों नहीं बना पा रहा हूं कि ये एक्चुअल में ऐसे है, ये एक्चुअल में बाहर की तरफ है, ये एक्चुअल में किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। तो मैं बना तो सकता नहीं, क्यों? क्योंकि बॉल इज ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, आप जरा ध्यान से देखें। अगर इस बोर्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो इस बोर्ड के पास अगर आपको डायमेंशन को देखना है तो आप देखो इसमें कितने डायमेंशन है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो, एक तो इसका नीचे का बेस होगा और एक परपेंडिकुलर जो इसकी लाइन होगी। परपेंडिकुलर लाइन मतलब कि अपन बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहां पर देखो बोर्ड की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, मैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं कि बोर्ड ऐसा होगा, ठीक है। अब इसमें आप जरा ध्यान दें, क्या इसमें ओनली 2 ही डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है? 2 डायरेक्शन का मतलब एक तो आपको ये वाली दिखाई दे रही है, एक ये वाली दिखाई दे रही है। क्या कोई बाहर आने वाली डायरेक्शन आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। दैट मीन सिंपल सी बात है कि बोर्ड इज ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकते हो, क्लियर। तो इसलिए ध्यान देना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितनी एक्सिस होती है? 3 होती है। अब 3 में 2 एक्सिस तो ऐसी है जो बोर्ड पे बन सकती है, तीसरी एक्सिस जो होती है, जो थर्ड वन होती है, उसको अपन बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं। वो अपन क्या करते हैं, इमेजिनरी रूप से यहाँ पे बना लेते हैं कि ये थर्ड वन एक्सिस होगी जो कि इन दोनों की म्यूचुअली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। लेट सपोज ये क्या है, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस, क्लियर। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जेड एक्सिस, क्लियर है। अब जरा ध्यान दें, अगर मैं इस एक्स एक्सिस की इधर की डायरेक्शन की बात करूं तो इस डायरेक्शन को बोला जाएगा, इस डायरेक्शन को बोला जाएगा, ये वाली जो डायरेक्शन है इसको बोला जाएगा माइनस एक्स एक्सिस। क्या बोला जाएगा? माइनस एक्स एक्सिस। और इधर अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे इसको बोला जाएगा माइनस वाई एक्सिस। क्या बोला जाएगा? माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो है, अब एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहां पर ये इमेजिनरी बनाया है अपन ने, तो इसमें इमेजिनरी ही इसका बैकवर्ड पोर्शन भी बनाना पड़ेगा। जैसे इधर ध्यान दें, ये 2 तो बना दिया हमने,
अब दो बना दिया तो इसका अगर मुझे चाहिए, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मान लो इधर की तरफ, आपकी तरफ से देखो यहां पर ये पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर मैं इसको क्या करता हूं घुमा के इधर ले आता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको यहां ले आता हूं तो जरा आप ध्यान दे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको नीचे ले जाते हैं, इसको अपन कहां ले जाते हैं नीचे ले जाते हैं, तो ये क्या बन गया, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, क्लियर। अब अपन बात करें जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस क्या थी, इधर की तरफ परपेंडिकुलर थी, यही थी जेड एक्सिस हमारे पास, ये वाली जो आपको दिख रही है यहां पे, दिख रही है जेड एक्सिस। अब ये जो जेड एक्सिस है, अभी ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, अगर मैं नेगेटिव चाहता हूं तो मैं इसको उठाऊंगा और इस साइड में लगा दूंगा, इस साइड में, इस साइड में, आपको दिख रहा होगा अब ये कैसे हो चुका है, अब इस साइड में आ चुका है, अब इस साइड में आ चुका है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्स जेड एक्सिस हो चुकी है। दैट मीन्स मैं इधर क्या बनाऊंगा कि इस साइड में मैंने बना दिया एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं, जो कि किसको शो कर रही है कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, बोर्ड के उस साइड में, बोर्ड के उस साइड में, ये क्या हो गया, माइनस जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इसे ही अपन क्या बोलते हैं, इसे ही अपन बोलते हैं अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि यहां पर तीन डायरेक्शन हमारे पास, तो वो तीन डायरेक्शन कौन कौन सी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और तीनों के म्यूचुअली नेगेटिव एक्सिस भी है, माइनस एक्स एक्सिस, वाई माइनस वाई एक्सिस एंड जेड माइनस एक्सिस, ओके, माइनस जेड एक्सिस इसको बोलते हैं, ये क्लियर हुआ सभी के। तो यूक्लिडियन प्लेन किसे बोलेंगे, यूक्लिडियन प्लेन का मतलब हुआ जिसमें टू डायमेंशन ओनली, दैट मीन्स 2D। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने टू डायमेंशनल प्लेन बन रहे होंगे, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर कितने, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने प्लेन बन रहे होंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो जरा ध्यान दो, हमारे पास एक्सिस है, एक तो एक्स, एक है वाई और एक है जेड। अब आप बताओ 2D स्ट्रक्चर के लिए कितनी एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप बोलोगे सर 2D स्ट्रक्चर के लिए दो डायमेंशन की रिक्वायर्ड होंगे, दो डायमेंशन रिक्वायर्ड होगी, तो दो डायमेंशन इधर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, या ये दोनों भी हो सकती हैं। दैट मीन्स एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है और एक्स जेड भी हो सकता है। दैट मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन प्लेन बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक बनेगा वाई जेड प्लेन और एक क्या बनेगा, एक्स जेड प्लेन आपके पास बनेगा। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद में अगला आता है अपने पास यूक्लिडियन स्पेस। अब यूक्लिडियन स्पेस क्या है, थ्री डायमेंशनल। अब थ्री डायमेंशनल मतलब कि ये तीनों एक साथ आ जाए, ये तीनों की तीनों डायरेक्शन क्या आ जाए, एक साथ आ जाए। दैट मीन्स बोलेंगे ये तो हो गए प्लेन। अगर स्पेस की बात करोगे आप तो स्पेस का मतलब हो गया एक्स वाई जेड स्पेस, हुआ कि नहीं हुआ, ये बात क्लियर है सभी के, कि अगर मैं स्पेस की बात करूंगा तो थ्री डायमेंशन होगी, अगर मैं प्लेन की बात करूंगा तो टू डायमेंशन होगा। टू डायमेंशन प्लेन कौन कौन से हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है और एक्स जेड भी हो सकता है। अब इसे समझना कि सर एक्स वाई प्लेन कौन सा है, वाई जेड कौन सा है और एक्स जेड कौन सा है, तो जरा ध्यान दो, मैं यहां पर आपको समझाता हूं, जरा ध्यान दें। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूं और इसको वाई एक्सिस बोलूं, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं और इसको मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूं, तो जरा देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिख रही है, ये बनी हुई स्ट्रक्चर दिख रही है, वो आपको एक प्लेन में दिखाई दे रही है। दैट मीन्स दिस इज ए प्लेन, ये एक प्लेन हो गया, और उस प्लेन में कौन कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एंड वाई। दैट मीन्स दिस इज नोन एज एक्स वाई प्लेन, इसको क्या बोला जाएगा, एक्स वाई प्लेन बोला जाएगा, क्लियर। अगर मैं बात करूं कोई स्ट्रक्चर ऐसे होती, इसको समझना ये थोड़ा सा 3D में है, क्या कि अगर मैं बात करूं कि ये जैसे मार्कर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर मार्कर लगा हुआ है, दिख रहा है सभी को, ये मार्कर की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो मार्कर की डायरेक्शन बाहर की तरफ, आपकी तरफ, ये पॉइंट आउट कर रहा है आपकी तरफ, क्लियर। तो इस मार्कर को जरा ध्यान दो, अगर मैं कोई स्ट्रक्चर इस जगह पे बनाता हूं, समझ में आ रही है कोई बात, कि मैं अगर कोई स्ट्रक्चर इस जगह बना रहा हूं, दैट मीन्स वो आ रहा है वाई और दिस इज जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये वाई, तो ये जो प्लेन मेरे पास आ रहा है, मेरा आपको हाथ दिख रहा होगा, ये वाला हाथ, ये हाथ अभी जिस जगह पे है वो मेरे पास क्या है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये जो है, अब ये जो दिख रहा है आपको वो एक्स वाई जेड प्लेन में, किसमें, वाई जेड प्लेन में। इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप 3D डायमेंशन को आप इमेजिन कर पा रहे हो। जरा ध्यान दे, इधर देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप देख सकते हैं, ओके, आपको ये चीजें दिख रही है, तीनों डायमेंशन दिख रही है।
अब अगर मैं बात करूं कि दिस इज एक्स एक्सिस, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूं, इसको जेड एक्सिस बोलूं, इसको वाई एक्सिस बोलूं, तो ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच का प्लेन, वो आपका क्या है? एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। अगर मैं इन दोनों के बीच का प्लेन दिखाऊं, ये वाले, एक तो ये और एक ये आपकी मैंने जस्ट घुमाया है इसको, इस जेड एक्सिस से ध्यान रखना, ये वाले प्लेन की बात करूं तो ये वाला प्लेन हो गया वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया? वाई जेड। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये जो आपको नीचे दिख रही है, ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाली जेड एक्सिस है, मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए, क्या दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अब इनके बीच का ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये प्लेन हो गया एक्स जेड प्लेन। तो तीनों प्लेन समझ में आए, ठीक है, कोई दिक्कत? ये 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होना जरूरी है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। क्लियर? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक्चुअल में ये प्लेन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये अपने क्या यूज में आ रहा है, कैसे फिजिक्स में काम आएगा। तो ठीक है, अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है पॉइंट। सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, वो ध्यान दें। अपन बात करेंगे किसकी? अब पॉइंट की बात करेंगे। अब जरा देखो पॉइंट क्या होता है। एक पॉइंट जो होता है, जैसे मैंने कह दिया ये लो सर, ये एक पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट के बारे में भी हमें एक बात पता होनी चाहिए कि ये पॉइंट जो है 2D में भी हो सकता है और ये पॉइंट 3D में भी हो सकता है। मतलब कि 2-डायमेंशनल पॉइंट भी हो सकता है और 3-डायमेंशनल पॉइंट भी ये हो सकता है। अब 2-डायमेंशनल पॉइंट और 3-डायमेंशनल पॉइंट में क्या डिफरेंस है, जरा ध्यान दें। देखो, हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम जो था, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात अगर मैं करूं तो यहां पर मेरे पास एक्स एक्सिस थी, यहां पर मेरे पास वाई एक्सिस थी, जेड एक्सिस में अभी बना नहीं रहा, केवल ये दो ही एक्सिस बना रहा हूं। अगर मैं कोई भी पॉइंट इन दोनों के बीच में, दैट मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कहीं भी रखूं, तो आप मुझे बताओ क्या इस पॉइंट की कहीं पोजिशन है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इसकी पोजिशन है। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताओ उसकी पोजिशन जो है वो कहां है, तो आप बोलोगे सर ये पोजीशन कहाँ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कहीं पे है। दैट मीन्स ये तो नहीं कहूंगा ना बीच में कहीं पे है, जैसे आप किसी होटल में आते हो और होटल में रहने जाते हो तो आपकी पोजीशन क्या होगी, उस होटल के अंदर किसी रूम में होगी कि नहीं होगी। दैट मीन्स मैं कह रहा हूं हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तीन प्लेन होते हैं, कौन कौन से? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। तो इसकी पोजीशन भी किसी एक प्लेन में होनी चाहिए। तो जरा ध्यान दें, आपको ये कौन से प्लेन में पड़ा हुआ दिख रहा है? आप बोलोगे सर एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है। दैट मींस द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट पी, मैं इसको पी नाम दे देता हूं, ठीक है, ये पॉइंट पी जो है, इसकी पोजीशन जो है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। किसमें? एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो जब एक्स वाई प्लेन में कोई भी क्या होगा, पॉइंट प्रेजेंट होगा, तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे। अब दो कोऑर्डिनेट क्यों होंगे? आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी कहा है कि इफ द स्ट्रक्चर इज इन 2D देन हमारे पास दो डायरेक्शन होगी। दो डायरेक्शन मतलब कि दो पॉइंट्स होंगे जो दोनों डायरेक्शन को शो कर रहे होंगे कि ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। क्लियर? तो याद रहे अभी ये पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं पॉइंट पी इज इन एक्स वाई प्लेन। अभी एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में है तो इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, फर्स्ट वन इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकंड वन इज वाई कोऑर्डिनेट। दैट मींस यहां पर इसका एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक होगा वाई कोऑर्डिनेट। अभी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे शो किया जाता है, देखो दिस इज नोन एज ओरिजिन, इसको अपन ओरिजिन बोलते हैं, मैं इसे ओ से जनरेट कर रहा हूं। ओरिजिन की पोजीशन अपन मान के चलते हैं 0, 0, क्या मान के चलते हैं 0, 0, ठीक है। वो अपने रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, आप रेफरेंस पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कई बार क्वेश्चंस आप मैथमेटिक्स में करोगे तो ओरिजिन किसी और चीज को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, वो तो आपके खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पर है कि आप किसको ओरिजिन मान के चल रहे हैं, लेकिन बेसिकली अपन कहां मान के चलते हैं 0, 0 पर मान के चल रहे हैं। अब जरा देखो, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये जो पॉइंट पी है वो एक्स एक्सिस पर किस जगह पर क्या है, सिचुएटेड है। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि ये एक पोजीशन एक्स इक्वल टू 2 है, मान लो
मान लेते हैं कि x इक्वल टू टू है, दैट मीन्स आप क्या बोलोगे, जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट ये y एक्सिस से टू डिस्टेंस, अब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, वो उसकी यूनिट है, क्लियर, y एक्सिस से 2 मीटर, मान लो मैं मीटर मान के चलता हूं, 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है ना किसी भी पॉइंट की, ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट बोलते हैं उस पॉइंट का, दैट मींस y एक्सिस ये हो गई, इस y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है इस पॉइंट की, अब देख लो ये पॉइंट की डिस्टेंस, अब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही तो है, दैट मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो सेम है, और इसी को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, क्लियर, आई बात समझ में। एक इंपॉर्टेंट बात और, इस एक्स कोऑर्डिनेट को एक और वर्ड से जाना जाता है जिसका नाम है एब्सिसा, किस नाम से जाना जाता है, एब्सिसा, ABCISA, एब्सिसा नाम से भी इसको जाना जाता है, तो याद रखना कहीं भी एब्सिसा लिखा हुआ हो दैट मीन समझ लेना कि उसने क्या बताया आपको, उसने बताया है कि वो एक्स कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, क्लियर। आगे बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट की, तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, अब आप जरा ध्यान दें, दिस इज एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस एक्स एक्सिस इज दिस, यही है ना, ये डिस्टेंस है, तो ये तो हमारे पास एक्स हो गया यहां से लेकर यहां तक, और ये यहां से लेकर यहां तक हमारे पास y हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये बात क्लियर है, दैट मींस ये हमारा x डिस्टेंस हुआ, ये y डिस्टेंस हुआ, तो ये डिस्टेंस ली कहां से, y एक्सिस से अगर डिस्टेंस लेता हूं तो x कोऑर्डिनेट का पता चलता है, अगर मैं x एक्सिस से डिस्टेंस लेता हूं तो मेरे को y कोऑर्डिनेट का पता चलता है, तो अपन बोल सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, अगर x एक्सिस से बात करें डिस्टेंस की, किसकी डिस्टेंस चल रही है ये पता सभी को, पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये क्या होगा y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट, क्लियर, अगर मैं कहूं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से चाहिए तो उसको क्या बोलूंगा, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, क्लियर। अब जरा ध्यान दें, अगर इस x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है तो y कोऑर्डिनेट के पॉइंट को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, तो कई बार आपको यहां पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, दैट मीन समझ लेना ऑर्डिनेट का मतलब है y एक्सिस का पॉइंट, मतलब कि y कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा का मतलब है उसका x कोऑर्डिनेट, क्लियर। तो अभी मैंने एक पॉइंट को डिफाइन किया, और वो पॉइंट क्या है, वो एक 2D पॉइंट है, टू डायमेंशनल पॉइंट है, और उसके दो डायरेक्शन हमने कही, वो क्या है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब जरा ध्यान दें, अब आपसे पूछा जाए कि सर इसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि ये जो पॉइंट सिचुएटेड है वो कहां है, वो एक्स वाई प्लेन में है, दैट मींस इसका वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, दैट मींस द थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी इज जीरो, दैट मींस मैं अगर बोलूं कि अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में क्या है, सिचुएटेड है, तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, दैट मींस द थर्ड कोऑर्डिनेट विच इज Describe by z axis is zero because the point is situated in xy plane. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर एक पॉइंट है जो कि yz प्लेन में क्या है, सिचुएटेड है, तो ये तो xy प्लेन के बारे में बात हुई, अगर मैं बात करूं कि पॉइंट yz प्लेन में है, कौन से प्लेन में है, yz प्लेन में है, तो उसका मतलब हुआ कि उसका x कोऑर्डिनेट जीरो है, because the situation and the position of that point is in yz plane, so the point having two coordinates which is y coordinate and z coordinate, so the x coordinate of that point is zero, that means first coordinate x is zero, second one is y and third one is z, ye baat clear hui ki agar koi bhi point hamare paas yz plane mein hua to uske coordinate honge 0 comma y comma z, clear। आगे बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट हमारा एक्स जेड प्लेन में हुआ तो
एक्सजेड प्लेन के अंदर आप जरा ध्यान से बताएं, जल्दी से खुद बताएं कि इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आप फटाफट से दिमाग लगा के बोलोगे सर कि एक्सजेड प्लेन दैट मींस द पॉइंट हैव टू पॉइंट्स, टू कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट वन इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड वन इज जेड कोऑर्डिनेट। सो द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विच इज सिचुएटेड इन एक्सजेड प्लेन इज जीरो। दैट मींस मैं बोलूंगा एक्स कोमा जीरो कोमा जेड। तो ये आपको मैंने बताया कि अगर कोई पॉइंट हमारी 2D स्ट्रक्चर में है तो 2D स्ट्रक्चर में तीन प्लेन में वो पॉइंट हो सकता है। फर्स्ट इज एक्स वाई, सेकेंड वन इज वाई जेड एंड थर्ड वन इज एक्स जेड। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इन द रेस्पेक्टिव प्लेन्स आर एज फॉलोज, एक्स वाई जीरो दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अगर मैं बात करूं जीरो कोमा वाई कोमा जेड दैट मीन्स वाई जेड प्लेन एंड एक्स कोमा जीरो कोमा जेड दैट मीन्स एक्स जेड प्लेन, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई कि कोई भी पॉइंट अगर टू डायमेंशनल है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या पॉसिबल हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि कोई पॉइंट थ्री डायमेंशनल हो, थ्री डायमेंशनल होने का मतलब है अपने आप को अपने कमरे में अज्यूम कर लीजिए कि आप जहां बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जहां बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं उसको अज्यूम कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं कि मेरे पास यहां पर कोई एक पॉइंट है, जरा आप ध्यान दें, ये पॉइंट 3D में दिख रहा है आपको, यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो किसा है, 3D के अंदर है। 3D के अंदर होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो पोजीशन है वो x एक्सिस में भी है, y एक्सिस में भी है और z एक्सिस में भी है। दैट मींस जो 3D पॉइंट होता है वो आपका इस बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता। अब मैं यहां पर देखो आपको तीसरी डायरेक्शन बना के बता रहा हूं, ये जो आपको मार्कर दिख रहा है इस मार्कर को मैं यहां पर म्यूचुअली तीनों के परपेंडिकुलर लगा देता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि पॉइंट यहां पर कहीं है, इस जगह पे कहीं पे है, जैसे मेरी ये उंगली आपको दिख रही होगी, अगर मैं इस उंगली की बात करूं तो ये उंगली एक पॉइंट को पॉइंट कर रही है, मान लो एक पॉइंट बता रही है यहां पर। अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा बिल्कुल, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको इमेजिन करना पड़ेगा, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं यहां पर चलो इसको आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। अब इसको जरा देखो, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ओके, कोई दिक्कत। अगर मैं कोई पॉइंट इन तीनों के बीच में कहीं यहां पे ले लूं, दिख रहा है सभी को, अगर मैं इन तीनों के कहीं बीच में एक पॉइंट ले लूं, दैट मींस वो इस प्लेन में भी है, इस प्लेन में भी है, सारे प्लेन में है, दैट मींस वो तीनों डायरेक्शन में आ रहा है, तीनों डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मींस वो क्या हो गया, हो गया एक्स वाई जेड स्पेस में। अब प्लेन नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड स्पेस में बोलेंगे। तो जरा ध्यान दे, अगर कोई भी पॉइंट अपना, चलो मैं इसको रब कर देता हूं, ये नोट डाउन कर लेना आप साथ में, अब मान लो कि अगर जो पॉइंट है वो थ्री डायमेंशनल है, अगर हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट कैसा है, थ्री डायमेंशनल, थ्री डी पॉइंट है। तो थ्री डी पॉइंट है तो आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने बताया था यूक्लिडियन स्पेस के बारे में, तो यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है, थ्री डी स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। अब 3D स्ट्रक्चर है तो उसके कितने कोऑर्डिनेट होंगे, आप सभी लोग बताओ, सर 3D दैट मींस थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन मतलब कि उसके तीन कोऑर्डिनेट होंगे, फर्स्ट वन इज x, सेकंड वन इज y एंड थर्ड वन इज z, मतलब उसके तीन कोऑर्डिनेट होंगे x y z। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ अगर कोई पॉइंट मैंने लिखा 1, 2, 0, क्या ये एक 3D पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है ये 3D पॉइंट, क्यों नहीं है, बिकॉज ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y कोऑर्डिनेट, ये होता है z कोऑर्डिनेट। यहां पर सर जो z कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहा है वो जीरो है, दैट मींस ये जो पॉइंट का आपने कोऑर्डिनेट बताया, मान लो एक p पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया कि सर ये जो p पॉइंट है वो सिचुएटेड है ओनली x y में, दैट मींस दिस पॉइंट p, पॉइंट p इज सिचुएटेड इन एक्स वाई प्लेन, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में सिचुएटेड है, और एक्स वाई प्लेन में सिचुएटेड है तो इसका मतलब वो कौन सा पॉइंट है, टू डायमेंशनल पॉइंट है, थ्री डायमेंशन उसकी नहीं है। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास एक और एग्जांपल है और मैं कह रहा हूं बताओ 0, 2, 3, ठीक है, अगर ये बात करें 0, 2, 3, वन डायमेंशन भी हो सकता है पॉइंट, वन डायमेंशन का मतलब कैसे हुआ,
वन डायमेंशन का मतलब हुआ कि अगर वो किसी भी एक लाइन पे आ जाए स्पेसिफिक, जैसे मैं बात करूं यहां पर अपन वापस से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, अगर पॉइंट इसी लाइन पे आ गया दैट मींस वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस ये है, तो यहां पर ही कोई पॉइंट पी आ गया, तो आप देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप क्या बताओगे, सर इस कोऑर्डिनेट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो हो गई ये वाली जिसको अपन वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, सर इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, सर ये तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी जीरो है, सॉरी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कितनी है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो वाई है, लेकिन इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, सर ये तो वाई एक्सिस के ऊपर ही पड़ा है, दैट मींस डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज जीरो, दैट मींस दिस पॉइंट इज सिचुएटेड और लोकेटेड एट वाई एक्सिस हियर, तो ये 1D पॉइंट हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y, 0, दैट मींस x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट y है बिकॉज़ y पे तो है ये, और z कोऑर्डिनेट भी इसका 0 है। अगेन बात करूं अगर कोई पॉइंट यहां पर है इस जगह पे, अगर इस जगह पे कोई पॉइंट है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, आप बोलोगे सर इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस तो ये रही, y एक्सिस से डिस्टेंस तो ये रही, y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, तो ये तो x है, अब सर इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल नहीं है सर बिकॉज दिस इज सिचुएटेड ऑन लोकेटेड ऑन x एक्सिस, मतलब कि जो डिस्टेंस है x एक्सिस से वो कितनी है 0, क्लियर, दैट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x, 0, 0, बिकॉज यहां पर केवल x कोऑर्डिनेट होगा, y और z 0 होगा, तो ये हो गया 1D पॉइंट, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1D है। उसके बाद में अगर कोई 3D में हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर z एक्सिस बना रहा हूँ, इमेजिन करना है कि दिस इज z एक्सिस, बाकी आपको पता होगा दिस इज लाइक दिस, इधर बाहर की तरफ है वो, मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बोलोगे कि यहाँ पर सर जो इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से होगी वो 0 होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो भी 0 होगी, क्लियर है क्या, ऐसा थोड़ी है, आपको पता होना चाहिए जेड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, z कोऑर्डिनेट का मतलब सीधा सा ध्यान रखो, अगर वो y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, उसके बाद में z कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो सकता बिकॉज वो z कोऑर्डिनेट पर ही प्रेजेंट है, उसी पे लोकेटेड है, तो 0, 0, z ये इसका पोजीशन हो गया, और इस ओरिजिन का पोजीशन क्या हो जाएगा बताओ जरा, सर 0, 0, 0 बिकॉज यहां पर तो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहां पर 0, 0, 0 यहां से स्टार्ट हो गया ओरिजिन पॉइंट, इसको अपन ने बोल दिया, क्लियर, ये सबके समझ में आया अभी तक कि क्या है ये पॉइंट्स क्या होते हैं, 3D पॉइंट्स क्या होते हैं। अब जरा आप सोचो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये कौन से प्लेन में हुआ बताओ जरा, आप बोलोगे सर दिस इज इन वाई जेड प्लेन, कौन से प्लेन में बताओ, ये है वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, अब वाई जेड में कैसे हुआ, बिकॉज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0, सो दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट वाई जेड प्लेन, इन वाई जेड प्लेन, ओके, अगेन 1, 3, 4 फटाफट से बताओ ये पॉइंट क्या लोकेट होगा, आप बोलोगे सर 1, 3, 4 दैट मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों में इसकी पोजीशन आ रही है, दैट मींस दिस इज इन एक्स वाई जेड स्पेस, ये एक्स वाई जेड स्पेस में होगा, और एक्स वाई जेड स्पेस में होगा दैट मींस इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, जेड कोऑर्डिनेट ये है, इसका मतलब सर ये एक 3D पॉइंट है जो कि लोकेटेड होगा तीनों डायरेक्शन में कहीं पर, आई बात समझ में, जो कि एक 3D ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। एक काम करना, आप अपने कमरे को देखना, अपने रूम को देखना, रूम में आपको 3D जो 3D डायमेंशन है वो पता चल जाएगी, तीनों डायरेक्शन आपको दिखाई देगी, कैसे, आप कॉर्नर्स को देखना रूम के, रूम के कॉर्नर्स को जब आप देखोगे तो तीन कॉर्नर आपको दिखेंगे, जो ये कॉर्नर दिख रहे हैं, एक कॉर्नर में जैसे पहले कॉर्नर में एक कॉर्नर में आपको तीन डायरेक्शन मिल जाएंगी, जस्ट एक वर्टिकल, एक आपको इस बाहर की तरफ आएगी और एक आपके इधर की तरफ जाएगी इस साइड में, क्लियर, जैसे आप रूम की डायरेक्शन इसी तरीके से देखोगे, दो तो आपको साफ साफ ये वाली दिख जाएंगी, तीसरी आपको इधर की तरफ दिखेंगी जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, आप रूम को देख सकते हैं, रूम को देखोगे तो रूम को देखना तो आपका अभी जो रूम बना होगा उसमें एक डायरेक्शन आपको ये दिख रही होगी, एक ये दिख रही होगी और तीसरी इधर बाहर की तरफ दिख रही होगी, कॉर्नर को देख लेना, एक कॉर्नर को, आपको समझ में आ जाएगा कि रूम इज ए 3D स्ट्रक्चर। अब 3D स्ट्रक्चर हो गई, क्लियर हुआ सभी की कोई दिक्कत, आई थिंक आप लोगों के सभी के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा था, अभी तक कितने पॉइंट्स के बारे में मैंने केवल डिस्कस किया कि पॉइंट होता क्या एक्चुअल में, और जो पॉइंट होता है उसके बारे में आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि पॉइंट जो है वो
1D, 2D, 3D किसी में भी हो सकता है। अगर 1D पॉइंट है दैट मींस वो एक्सिस पर ही लोकेटेड होगा, इधर वो एक्स एक्सिस पे हो सकता है, वाई एक्सिस पे हो सकता है, जेड एक्सिस पे हो सकता है। अगर मैं बात करूं 2D की, अगर 2D पॉइंट होगा दैट मींस वो प्लेन्स में लोकेटेड होगा, या तो एक्स वाई प्लेन में हो सकता है, या वाई जेड प्लेन में हो सकता है, या एक्स जेड प्लेन में हो सकता है। और तीसरा हमने कहा 3D पॉइंट, 3D पॉइंट जो होगा वो आपका स्पेस में होगा, और स्पेस को अपन ने बोला था एक्स वाई जेड स्पेस। ये बात क्लियर है? तो आई होप आप सभी लोगों को पॉइंट्स के बारे में पता चल गया होगा कि पॉइंट जो है वो कैसे समझा जाता है, कि कौन सा पॉइंट 2D है, कौन सा 1D है, और कौन सा 3D है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी की? चलें आगे, समझ में आया सभी की? ठीक है, अपन बात करते हैं अब वो किसकी करेंगे, वो करते हैं कि ये पॉइंट्स जो होते हैं उनका यूज किस तरीके से अपन लेते हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। कभी कोई स्ट्रक्चर बनानी हो, या कोई स्ट्रेट लाइन बनानी हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, ये सब चीजों के बारे में अपन थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, वो करेंगे किसकी? डिस्टेंस फॉर्मूला की। किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये अपन को बहुत इजीली रिमेम्बर हो जाएगा और ये आना भी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्यों आना चाहिए? क्योंकि कभी भी अपन को किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का पता होना बहुत जरूरी है। कैसे मेजर की जाती है वो अगर पता है, दैट मीन्स हम इतना तो जानते हैं कि कोई भी अगर डिस्टेंस निकालनी हो दो पॉइंट्स के बीच में तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? तो देखिए, अगर मेरे पास मान लेता हूं लेट पॉइंट ए इज x1, y1, मैंने एक पॉइंट मान लिया ए जो कि क्या है x1, y1, पॉइंट बी इज x2, y2। तो अगर मैं बोलूं आपको, तो इसको मैं यहां पर एक बार बना के दिखाता हूं आपको समझ में। मान लो हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x1, y1। ये बात क्लियर है? अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वॉट इज x1, y1। x1 इज द एब्सिसा, दैट मीन एक्स कोऑर्डिनेट, एंड y1 इज ऑर्डिनेट, दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ए। क्लियर? और इसका x2, y2 हो गया। क्लियर है? चलो आगे। तो x1, y1 ए कोऑर्डिनेट हो गया। अगर मैं बी कोऑर्डिनेट, सॉरी बी पॉइंट यहां पर ले लूं जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं, बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड बी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड बी। अब ध्यान दें कि ये जो पॉइंट है वो कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल सामने ही हो सकता है ये पॉइंट ऊपर हो। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमें अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को लोकेट करके। अभी लोकेट करना भी मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर? ठीक है, तो जरा ध्यान दे। क्लियर है ये बात? अब ये पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है दूसरा पॉइंट। क्लियर है? तो ये ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसे भी हो, या ऐसे भी हो सकती है। वो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब अपन वैल्यूज रखेंगे तब अपने को दिख जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। चलो आगे। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी। ए बी दैट मीन्स डिस्टेंस ए बी, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस को अपन ए बी बोल दे। ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये होता है अगर तीन पॉइंट होते, अगर थ्री डायमेंशनल होता तो यहां पर थर्ड एड हो जाता, z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, अगर थ्री डायमेंशनल पॉइंट होता तो अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो जो कि थ्री डायमेंशनल हो, दैट मीन्स अगर ये समझ लो कि इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ये होते x1, y1, z1, और इसके कोऑर्डिनेट होते x2, y2, z2, तो उस समय जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता ए से बी के बीच का वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये तो 3D के लिए हो गया, ये तो 3D के लिए हो गया। और अगर मैं बात करूं 2D की, तो 2D में ये वाला पॉइंट अपना z एक्सिस का पॉइंट हट जाएगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी? वो 2D की बात कर रहा हूं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो टू डायमेंशन में अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये 2D में है, ये तो किसमें है? टू डायमेंशनल में। और अगर थ्री डायमेंशनल में हो पॉइंट,
अगर ए पॉइंट हो एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन एंड बी पॉइंट अपने पास हो वो हो एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू, देन डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर 3D हो तो ये लगा देना, अगर 3D हो तो ये लगा देना, और 2D हो तो ये लगा देना। कोई दिक्कत किसी की? ये बात क्लियर हो रही है सभी की? आगे बात समझ में? तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो आपको अभी रिमेंबर कर लेना है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको रिमेंबर कर लो फटाफट से, जल्दी से इसको याद कर लो। एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। अगर थ्री मतलब कि थर्ड एक्सिस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हम z वाले को हटा देंगे और डायरेक्ट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे और उन दोनों के बीच में, उन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है ये बात? चलो आगे चलते हैं। अब पॉइंट्स को लोकेट करना मैं आपको बताता हूं, जिससे अपन पॉइंट्स की सिचुएशन के बारे में पता लगाएं कि कौन सा पॉइंट कहां पर होता है और किस तरीके से अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली आप इनको मैथ्स में पढ़ चुके होंगे, ये ग्राफ में आपको काफी ज्यादा सिखाया जाता है। तो देखो मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ, अभी मैं 2D बना रहा हूँ, ध्यान रखें, ठीक है? तो 2D में मेरे पास दो डायरेक्शन होंगी, ओनली x एक्सिस एंड y एक्सिस, मैं x और y शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्लियर है सभी के? चले आगे देखो, अब यहाँ पर आप सभी को पता है ये ओरिजिन होता है, इसको O बोल देता हूँ। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0, 0 लेंगे, अगर 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ मैं केवल एक्स वाई, ठीक है? अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक पॉइंट ए है, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, और एक पॉइंट मेरे पास बी है और इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2, 3, और एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट मेरे पास सी है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -4। क्लियर? अब मुझे इनको क्या करना है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनको क्या करना है, इनकी पोजीशन को लोकेट करना है। तो मैं कैसे करूँगा जरा ध्यान दें, आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो नीचे वाली जो ओरिजिन के नीचे की साइड में है वो होगी माइनस वाई एक्सिस, अगर इसके राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसके लेफ्ट साइड में क्या होगी, माइनस एक्स एक्सिस। क्या होगी? माइनस एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस एंड प्लस वाई एक्सिस। क्लियर? अब देखो जरा, आप सभी लोगों को पता होगा, आप क्या करते हैं, आप स्केल लेते हैं। स्केल मतलब याद होगा सभी को, जब भी कोई ग्राफ बनाया जाता है तो उसमें स्केल मेजरमेंट लिया जाता है, ठीक है? तो मान लो कि मैं अंदाजे से एक स्केल ले लेता हूं कि यहां पर पॉइंट वन होगा, यहां पर पॉइंट टू होगा, यहां पर पॉइंट थ्री होगा, यहां पर पॉइंट फोर होगा, आप इतना ही ले लेते। तो इधर उसी स्केल के अकॉर्डिंग माइनस वन होगा, माइनस टू होगा, माइनस थ्री होगा और माइनस फोर होगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर? सिमिलरली स्केल सेम लेते हुए कोई जरूरी नहीं है कि आप जो एक्स एक्सिस पे ले रहे हो वाई एक्सिस पे लो, आपके सहूलियत के अकॉर्डिंग, आपके एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो वाई एक्सिस पे, लेकिन याद रहे एक्स एक्सिस पे दोनों तरफ एक ही होगा और वाई एक्सिस पे दोनों तरफ एक ही होगा। क्लियर? तो यहां पर अपन ले लेते प्लस वन क्योंकि ऊपर प्लस वाई एक्सिस है, यहां टू थ्री फोर। अगर नीचे की बात करूं तो नीचे क्या बोलूंगा, 1, 2, 3 एंड 4, बट नीचे क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट मींस -1, -2, -3, -4। क्लियर है? अब चलो, पहला पॉइंट ए है। अब ये ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट सर मुझे दिखाई दे रहे हैं 1, 2। 1, 2 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस ए पॉइंट को लोकेट करना चाहता हूं तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं उसका x कोऑर्डिनेट देखूंगा, x कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो x कोऑर्डिनेट अगर 1 है तो मैं 1 पे आ गया, x वाली जगह पे 1 पे आ गया, आ गया। अब मैं इस 1 के साथ में y कोऑर्डिनेट को देखूंगा तो y कोऑर्डिनेट है 2, तो मैं इस 1 के जस्ट सामने y कोऑर्डिनेट के पास चलता जाऊंगा और जहां भी 2 दिखेगा मैं रुक जाऊंगा, मैं यहां रुक गया, बिकॉज x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट चल रहा है वो हो गया 2 पर, that means the position of this point A is 1, 2 is here, यहाँ पर ये point होगा, जो 1, 2 A point है वो यहाँ पर होगा। Clear? चलो B point को locate करो, तो B point में x coordinate का है 2,
तो एक्स पे चलते हैं और टू पे रुक जाते हैं। फिर अगला बोल रहे थ्री है वाई कोऑर्डिनेट, तो टू से चलते जाओ और थ्री पे रुक जाओ। ये रहा थ्री, मैं थ्री पे रुक गया, टू से चल रहा हूं और थ्री सामने वाई एक्सिस पे आते ही रुक गया। ये हो गया पोजिशन ऑफ पॉइंट बी विच इज 2, 3। क्लियर है ये बात समझ में आई सभी की? कोई दिक्कत? क्लियर। अब आगे देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करूं किसकी, -2, -4, तो -2, -4 की पोजीशन कैसे देखेंगे? सर एक्स एक्सिस में है -2, इधर आ जाओ, दिख गया सबको, ये रहा -2, पकड़ लिए इसको। अब ये कह रहे हैं -4 चलना है, तो ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर तो प्लस होता है, नीचे आएंगे तो नीचे देखो -4, ये रहा इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने ये रहा, तो यहां पर -4 होगा। तो थर्ड पॉइंट सी इज हियर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -2, -4। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, पॉइंट्स को कैसे लोकेट किया जा सकता है। तो आपने इन तीनों पॉइंट को लोकेट करना सीख लिया। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि मुझे बताओ यहां पर -1, एक डी पॉइंट लेता हूं और आपसे पूछूं -1, +4 ये कहां होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस में -1 पे चलेंगे, वाई एक्सिस में +4 पे चलेंगे, मतलब ऊपर चलेंगे इधर से यहां, तो ये रहा +4, मतलब ये पॉइंट सर यहां कहीं होगा डी पॉइंट जो होगा -1, 4। क्लियर है आगे बात समझ में? एक और पूछता हूं, ई पॉइंट लोकेट करो जो कि कहां पर है, वो हमारे पास 2, -3, 2, -3 है, तो आप कैसे करोगे? सर एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो 2 को पकड़ेंगे, वाई एक्सिस पे -3 को, -3 के लिए नीचे आएंगे, सर ये रहा -3, ये रहा 2, दैट मीन्स लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट ई इज हियर -2, +2, -3। आई बात समझ में? तो हमने देखो सभी पॉइंट्स की लोकेशन किस तरीके से दी जाती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो सीख लिए। क्लियर आई बात समझ में? अब मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप ए और बी पॉइंट को देखो, ए ये रहा, बी ये रहा, दैट मीन्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पूछी। समझ में आ रही है बात? आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो आप कैसे निकालोगे? आप याद रहे कि ये सर टू डायमेंशनल पॉइंट है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो क्या लगाएंगे? √(x2 − x1)² + (y2 − y1)² क्लियर। अब यहां पर सर x2 y2 ये क्या होगा, तो ध्यान दे, ए पॉइंट हमारे पास क्या है 1, 2, बी पॉइंट हमारे पास क्या है 2, 3, दैट मीन्स दिस इज नोन एज x1 y1 x2 y2। क्लियर ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या करोगे, x2 की जगह पर आपको कितना दिख रहा है 2, तो यहां लिखेंगे 2 − x1 कितना है, x1 दिखाई दे रहा है सर 1, दैट मीन्स 2 − 1 होल स्क्वायर प्लस y2 − y1 बताओ, तो आप बोलोगे y2 − y1 का मतलब क्या हुआ, y2 − y1 का मतलब हुआ 3 और 2, तो 3 − 2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। अब 2 − 1 का स्क्वायर कितना होता है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 − 1 होल स्क्वायर, तो 2 − 1 कितना होता है, 2 − 1 1 ही होता है सर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और दोनों का रूट ले लेंगे, तो ये अपना आंसर कितना हो गया √2, ये 1, 1 + 1, तो √2 आ गया। तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी √2, हुई कि नहीं हुई, आसानी से अपन ने पता लगा लिया। कैसे पता लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, उसकी हेल्प लेके। क्लियर हुआ सभी के? अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, सी कहां पर आपको दिख रहा है सर, ये रहा सी आपको यहां पे दिख रहा है, और डी कहां है, ये रहा, तो इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच की आपको ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे सर, सी एंड डी यहां लिख लेते हैं, हमारे पास सी पॉइंट कौन सा हो गया, सी पॉइंट तो हो गया हमारे पास सर -2, -4, डी पॉइंट हो गया हमारे पास
वो हो गया माइनस वन कोमा फोर, हमें निकालना है सर डिस्टेंस सी डी, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ओवर। अब जरा देखो इसको करो कंपेयर, तो ये एक्स वन की तरह ट्रीट करेगा, ये वाई वन की तरह, और ये वाला एक्स टू की तरह और ये वाई टू की तरह। तो जरा देखो आपको दिख रहा होगा यहां पर एक्स टू की जगह पर कितना है माइनस वन, तो माइनस वन फिर माइनस फिर एक्स वन, एक्स वन की जगह कितना है माइनस टू, तो फिर माइनस टू, फिर उसका होल स्क्वायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती कभी भी मत कर देना। ये फॉर्मूला का माइनस साइन अलग होता है, पॉइंट का माइनस साइन अलग होता है, तो ये गलती कभी भी मत कर देना, ये ध्यान रखना। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में x2 की जगह माइनस वन है और y2 x1 की जगह पर माइनस वन है। तो यहां पर देखो माइनस वन माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर बनेगा प्लस y2 कितना है, y2 हमारा सर दिख रहा है फोर, कितना दिख रहा है फोर, माइनस y1 कितना है माइनस फोर, माइनस फोर का होल स्क्वायर बनेगा। अब सी डी इक्वल टू कितना हो गया, जरा ध्यान दे इस पे, माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस वन प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स प्लस फोर होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट ओवर टू माइनस वन, कितना होता है टू माइनस वन, कितना होता है टू माइनस वन होता है वन, वन का स्क्वायर कितना हो गया, वन का स्क्वायर बताओ जल्दी से, आप बोलोगे वन का स्क्वायर कितना हो गया, वन ही हो गया, प्लस फोर प्लस फोर एट, एट का स्क्वायर हो गया 64, देन डिस्टेंस सी डी इज इक्वल टू रूट ओवर 65, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, रूट 65। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ये सबके समझ में आया, आया कि नहीं आया बताओ, ये क्लियर है, चले आगे। अब एक चीज ध्यान दें, अगर सी डी डिस्टेंस निकाल ली और अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस डी एंड ई, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई, तो ई पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट ये रहा, मतलब कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है कि नहीं करनी। अब ये दोनों बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, सर सेम सिचुएशन, ये हो जाएगा एक्स वन कोमा वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू कोमा वाई टू, और आराम से आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, बी एंड ई दैट मीन्स सर बी ये रहा ई ये रहा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस अपन फाइंड आउट कर लेंगे, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करने पर सेम दिस इज वर्क एज एक्स वन कोमा वाई वन एंड दिस इज वर्क एज एक्स टू कोमा वाई टू। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, क्लियर हो रहा है, आई बात समझ में, कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से पॉइंट को डिनोट करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, लोकेट करना भी आपको आ गया होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब एक 3D में भी आप डिस्टेंस निकाल के देख लेना, जैसे अगर मान लो एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आप ले लेना, ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ले लेना 1, 2, 3, और बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ले लेना आप -1, -2, -3, इन दोनों के बीच में आप क्या करना, डिस्टेंस निकाल लेना ए बी, और कौन से फॉर्मूले से लगाओगे, ये थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला है, दैट मीन्स आप 3D वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दोगे। ये बात समझ में आई सभी की, कोई दिक्कत, समझ में आया सभी के, चलो बहुत अच्छे। अब ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आई थिंक सारा क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम आपके नहीं आई होगी, आई होप आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी उसको क्लियर करने की हिम्मत आ गई होगी, आप कर लोगे आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर, कोई दिक्कत, चले आगे। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, मुझे ये बताओ कि अगर एक लाइन बनानी है आपको स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपको कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप बोलोगे सर अगर एक सिंगल पॉइंट होता है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती, बिकॉज सिंपल सी बात है इनफाइनाइट लॉन्ग कोई भी चीज होती है वो अनडिफाइंड होती है, मतलब पॉसिबल नहीं। अब मैं कहूँ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मतलब एक प्रेडिक्शन है, एक तरीके से मैं कह रहा हूँ इमेजिनेशन है, एक्चुअल में हो सकता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं, इनफाइनाइट खुद ही क्या एक अनडिफाइंड वैल्यू है। अब अनडिफाइंड वैल्यू है तो इसका मतलब याद रहे किसी भी अगर स्ट्रेट लाइन को आप फॉर्म करना चाहते हैं तो स्ट्रेट लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो दूसरा एंडिंग पॉइंट होगा, मतलब वी रिक्वायर्ड टू पॉइंट्स टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो आपको कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब आई बात समझ में आपके,
कि दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब उनको क्या बनाना हो, स्ट्रेट लाइन बनाना हो। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं, अगर एक ट्राइंगल बनाना है, क्या बनाना है, एक ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के लिए आपको कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैं अभी बात करूं, इसको मैं रब करता हूं, और आपको क्या करना है, यहां ध्यान दे कि अपन बात कर रहे हैं पहले तो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन, दूसरी बात कर रहे हैं अपन ट्राइंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन और ट्राइंगल के बारे में अगर थोड़ी सी भी बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन एंड हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए ट्राइंगल, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास दो पॉइंट है, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकेंड वन इज बी, लोकेशन कुछ भी हो सकती है, आई डोंट केयर अबाउट इट, एक्स वन कोमा वाई वन, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज एक्स टू कोमा वाई टू। क्लियर है? चलिए अब मैं आपसे पूछूं कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्या आप ड्रॉ कर सकते हो? आप बोलोगे सर बिल्कुल मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे? आप क्या करोगे, इस ए को इस बी से क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। मैंने क्या कहा आपको कि अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या करोगे, इस ए को इस बी से ज्वाइन कर दोगे, तो क्या एक स्ट्रेट लाइन बन गई। दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? अब मैं बोलूं कि अगर ये बी पॉइंट होता ही नहीं, बना लो स्ट्रेट लाइन, बना लो। कैसे बनाओगे, इस पॉइंट को कहां तो एंड करोगे, एंड करोगे, दैट मीन सिंपल सी बात है वहां दूसरा पॉइंट कंपल्सरी है, मिलेगा ही। आई बात समझ में? ये आपकी समझ में आ गया ना कि ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाना है तो उसके लिए हमारे पास दो पॉइंट होना बहुत ही कंपल्सरी है। ये बी पॉइंट हो गया। अब मैं पूछूं ट्राइंगल, ये अपने पास क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन, ये हो गई स्ट्रेट लाइन। अब मैं बोल रहा हूं ट्राइंगल बनाना है, तो आप बोलोगे इससे ट्राइंगल बनाना है, तो बताओ क्या इन तीन पॉइंट का यूज करके आप ट्राइंगल बना सकते हो क्या? आप बोलोगे सर अगर ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सीधे हैं, एक ही लाइन में हैं, अगर मैं कहूं इस तरीके से एक सीधी बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है, उसी पे वो तीन पॉइंट हैं सर, तो ऐसी पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बन सकती कि सर ये ट्राइंगल बन जाए। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिल जाएंगे और तीनों मिलेंगे और वो एक ही लाइन पर मिल रहे हैं, दैट मीन्स ध्यान रखना ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को बोला जाता है कोलीनियर पॉइंट्स। क्या बोला जाता है? कोलीनियर पॉइंट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई तीन पॉइंट आपने ऐसे दिए हुए हैं जिनको आप कभी भी ट्राइंगल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट मीन्स उनका यूज करके आप कभी ट्राइंगल नहीं बना सकते, तो वो आपके कोलीनियर पॉइंट्स होते हैं। कौन से पॉइंट होते हैं? कोलीनियर पॉइंट्स, ठीक है। अभी इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, पर इधर ध्यान दें, अगर मैं मान लो इन तीनों में से किसी भी एक पॉइंट को इधर बना रहा हूं, अब इस तीसरे पॉइंट को मैं यहां नहीं बनाऊंगा, इससे थोड़ा सा यहां कहीं ऊपर बना दूंगा, या कहीं नीचे बना दूंगा, या कहीं तिरछा इधर कहीं बना दूंगा, कहीं भी बना सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं इस बिल्कुल सीध में नहीं बनाऊंगा, दैट मीन्स बिल्कुल इसके सामने नहीं बनाऊंगा। तो जरा देखो, अगर मैं इन दोनों को मीट करूं, फिर इन दोनों को मिलाऊं, फिर इन दोनों को मिलाओ, तो आप देखो क्या एक ट्राइंगल जैसी स्ट्रक्चर बन गई, बिल्कुल बन गई। मतलब कि अगर तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो अपन ट्राइंगल बना सकते हैं। अगर मान लो ये थर्ड पॉइंट आपका यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, तो मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, बन गया ट्राइंगल, बन गया कि नहीं बन गया। अगर मैं बात करूँ किसकी, इसकी, तो यहाँ पर देखो क्या ट्राइंगल बन गया, बिल्कुल बन गया, बना कि नहीं बना। That means अगर ट्राइंगल फॉर्म करना है तो तीन हमें पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो तीनों पॉइंट कोलीनियर नहीं होने चाहिए। अगर वो कोलीनियर है दैट मीन्स वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते हैं तीनों पॉइंट। अब सर कोलीनियर है तो इसका मतलब क्या करेंगे, कोलीनियर का मतलब हो गया कैसे पता लगाएं कि वो तीन पॉइंट अगर कोई भी हमें गिवन है तो वो कोलीनियर है। इसके लिए सबसे पहले अपन एक बार ट्राइंगल के बारे में इंपॉर्टेंट एक बात पढ़ लेते हैं जो कि बहुत काम की है और वो आपके कई बार काम आ जाएगी। तो वो क्या है जरा ध्यान दें, वो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सर ये फॉर्मूला भी आप हमें बताओगे, इतना आसान हमें पता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। नहीं भैया मैं वो नहीं बता रहा हूँ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक ट्राइंगल है, ओके, इस ट्राइंगल के तीन पॉइंट है मेरे पास,
दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ओके, कोई दिक्कत किसी की? इस ट्राइंगल के कितने पॉइंट है? तीन, ए बी एंड सी. क्लियर है? इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं एक्स वन कोमा वाई वन, ठीक है. इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं एक्स टू कोमा वाई टू. इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं एक्स थ्री कोमा वाई थ्री. मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो, अगर ये मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए तो आपको क्या करना है, आपको इसका एरिया निकालना है इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से, ठीक है. तो आप क्या करोगे, आप इसमें सबसे पहली बात तो ध्यान रखोगे कि यहां पर बेस तो दिख रहा है सर, हाइट कैसे मेजर करेंगे, ये वाली चीज होगी ना हाइट, तो ये हाइट कैसे निकालोगे आप? लेकिन ये तो लफड़ा हो जाएगा सर हाइट निकालना, ठीक है. तो इससे बढ़िया आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है. वो फॉर्मूला क्या है? वन बाई टू, पहले आप एक्स वन लिखें, फिर वाई टू माइनस वाई थ्री, प्लस एक्स टू लिखें, फिर लिखें वाई थ्री माइनस वाई वन, फिर आप लिखें एक्स थ्री और वो लिखें वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है. और इसका होल मॉड ले लीजिए, मॉड मतलब मॉडुलस. अब मॉडुलस क्यों लिया? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, तो मॉडुलस लेने पर जो वैल्यू आउटकम आएगी, बाहर आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, बिकॉज एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है. आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखना, क्लियर है. तो यहाँ पर मॉड इसीलिए लगाया गया है. अब सर ये फॉर्मूला याद ही नहीं हुआ, तो आप तो बस इतना ध्यान रख लें, याद नहीं करना आपको. एक बहुत छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, वन बाई टू याद कर लें, ये मॉड पता ही है सबको, ये लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना. प्लस में हो तो भी प्लस में लेना ही है, और माइनस में आ जाए तो भी उसको प्लस में ही लेना है. अब आप क्या करो, सबसे पहले एक्स वन लिख लो, प्लस एक्स टू लिख लो, प्लस एक्स थ्री लिख लो. इतना काम तो कर सकते हैं, इतना काम तो आप कर सकते हैं, आई थिंक कर लिया. अब एक काम करो, एक नंबर लिख लो, जैसे वन, एक मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो आप, एक सर्किल बना लो. बना लिया? अब इस सर्किल में देखो, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने बना लिया. इसको मैं वन लिख देता हूँ, इसको टू लिख देता हूँ, इसको थ्री लिख देता हूँ. देखो अपने आप याद आ जाएगा कैसे क्या लिखना है. एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिख चुके हैं, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? वन आ रहा है, वन आ रहा है, तो वन को छोड़ दो, वन के बाद में क्या आता है? टू एंड थ्री. क्या आता है? टू एंड थ्री. तो यहाँ आ जाएगा वाई टू माइनस वाई थ्री. क्लियर? अब टू आ गया, तो टू को आ गया, टू को पकड़ लो, थ्री फिर वन आएगा, दैट मीन्स वाई थ्री माइनस वाई वन. क्लियर? इसके बाद में अगर थ्री पे आ गए तो थ्री को पकड़ लो, तो क्या आएगा? वन टू, वन टू आएगा, दैट मीन्स वाई टू माइनस वाई वन. ईजी है. तो आप इस मेथड से इसको ध्यान में रख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, याद रहेगा हमेशा. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वन टू थ्री बना लें, वन आ रहा है तो टू थ्री, टू आ रहा है तो थ्री वन, और जब थ्री आ रहा है तो वन टू. बस ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपका ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है. ये बात आपकी समझ में आ गई कि किसी भी ट्राइंगल के अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हों तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है. जैसे मान लो अगर कोई भी ट्राइंगल आपको दे रखा है, जिसके कोऑर्डिनेट मैं बोल देता हूँ, मान लो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है इसके 0, 0, ये तो बी कोऑर्डिनेट है, ठीक है. यहाँ पर कोऑर्डिनेट मैं दे देता हूँ उसका 2, 0, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे देता हूँ मैं 2, 2. आप इसका एरिया निकाल कर दिखाना, ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ट्राइंगल ए बी सी का आपको क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूले का यूज करें. क्लियर है? सबके समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चले आगे. अब एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर अपन फिनिश करेंगे, ठीक है. तो देखो, अब एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि अगर कोई तीन पॉइंट कोलिनियर है, अगर कोई तीन पॉइंट कोलिनियर है तो उसके लिए क्या केस बनता है. तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं, दैट मीन्स वो कभी ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते? वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते. और अगर ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते, इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो उन तीनों पॉइंट से मिलकर बने हुए ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? जीरो. ऑब्वियसली जीरो होगा. क्यों जीरो होगा, समझ में आया? देखो जरा, अगर मैं कहूं कि कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन में आ रहे, तो क्या ये तीनों कभी बताओ ट्राइंगल बना सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं बना सकते. अगर ये ट्राइंगल नहीं बना सकते, दैट मीन्स ये तीनों कोलिनियर है और इनका ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? जीरो.
दैट मीन्स अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन क्या लेते हैं, इफ एक्स कोमा जीरो एंड 2,3 एंड 1,-2 आर कोलीनियर देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट कर पाओगे? बहुत ही सिंपल, तीनों कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं और आपको ये बात पता है कि अगर कोई तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो वो तीनों पॉइंट से मिलकर बना हुआ जो ट्राइंगल होता है उस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? जीरो। तो लगाओ आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय गिवन पॉइंट्स शुड बी जीरो। क्यों? क्योंकि एरिया जीरो होगा तभी तो वो तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर। एरिया का फॉर्मूला बताओ, 1/2 x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे। याद होगा 1 आ गया तो 2-3, 2 आ गया तो 3-1 और 3 आ गया तो 1-2। यही था और मोड था साथ में, था कि नहीं था? मोड इसलिए था कि पॉजिटिव। जल्दी से बताओ 1/2 x1 की वैल्यू कितनी होगी? सर x1 इज x। y2 की वैल्यू बताओ, दिस इज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। क्लियर है ना? कोई दिक्कत सबके? ये बात तो क्लियर हो रही है। चलो अब x1 की जगह x है तो यहां चाहिए y2, y2 कितना है? 3, तो 3 - y3 की वैल्यू -2। दिख रहा है आपको? y3 की वैल्यू आपको दिख रही है -2, तो -2 प्लस x2 कितना है? x2 है 2। y3 कितना है? -2 माइनस y1, y1 कितना है? 0। क्लियर? प्लस x3 कितना है? x3 है सर 1। y1 कितना है? y1 सर 0। माइनस y2 कितना है? y2 है सर 3-3। क्लियर? मोड लगा लो। ये बात समझ में आ गई आपके? कोई दिक्कत? इसको रिजोल्व करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/2 ये कितना बनेगा? 3 - - प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो 5x प्लस ये कितना बना? -2। ध्यान दे, -2 - 0 मतलब -2 × 2 - 4। ये बन गया -4। ये कितना बना? 1 × -3 विच इज इक्वल टू -3। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर सेट टू बी कोलिनियर इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई दीज पॉइंट इज 0। क्लियर? अब 1/2 है तो इसको तो हटा दो, ये तो उधर जाके 1/2 इधर जाकर 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया? 5x - 7 = 0, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ध्यान रखना अपन को, ठीक है? तो यहाँ से 5x = 7 आ गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/5। क्या हो गया? x = 7/5। ईजी है कि नहीं है? बहुत ही आसान था। तो इसी तरीके से अगर किसी भी पॉइंट के बारे में आपको पता लगाना हो कि वो पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है या नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ द ट्राइंगल शुड बी 0 कर देंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ज़्यादा समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इंजीनियरिंग हो, एरोस्पेस हो, फिजिक्स हो, अभी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ये जो साइंटिफिकली अपन कहें कि जुड़ी हुई हैं, जो कि अपन कह सकते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं वो ग्राफिकल बहुत ज़्यादा डेटा को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। तो ग्राफिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ्स कैसे बनते हैं, सर्किल क्या होता है, स्ट्रीट लाइन क्या होती है, पैराबोला क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, इलिप्स क्या होता है, ये सब चीज़ें अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे, जो कि फिजिक्स के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। आई बात समझ में? आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।